हम जानते हैं कि आप सबके मन में बहुत सवाल है, परंतु हमने कुछ गलत नहीं किया है और हम सब कुछ समझा सकते हैं। ऑफ कोर्स, इसीलिए तो हम यहाँ खड़े हुए हैं। विक्रम, अपनी भाभी सा कुछ चेहरे दो, वो आराम से उस पर बैठेगी और बैठकर बताएगी कि इसने हम सबको धोखा क्यों दिया है। नहीं रानी साहब, गलत समझ रही। सही कहा तुमने, गलती हुई है हमसे। जिस दिन पहली बार तुम हमारे घर में आई थी, उसी वक्त हमें तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। हमेशा से जानते थे, लेकिन आज तुमने अपनी औकात दिखाकर ये साबित कर दिया कि तुम जैसे लोग प्यार और भरोसे के लायक नहीं होते। बहुरानी, हमने हमेशा राजेश्वरी के खिलाफ आपका साथ दिया है। आपको हमेशा अपना माना, आपको हमेशा इस घर की बेटी की तरह रखा, लेकिन आज आज आपने जो किया ना, वो सही नहीं। आज आपने हमारे परिवार के खिलाफ जाकर उस विजया से हाथ मिलाया। राजमाता जी, वो विजया जिसने हमारे परिवार से हमारा सुख चैन खुशियां सपने, यहाँ तक कि हमारा घर, जिसमें वीर और विक्रम का जन्म हुआ था, जिसमें आप शादी करके आई थी, वो भी हमसे छीन लिया। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बहुरानी। राजमाता जी, अब हम वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग एक बार हमारी बात सुन लीजिए। क्या सुनिए भाभी साहब, आप ही की बात सुनकर हम इस घर में आए थे ना। आप ही की सुनकर हमने कम में खुश रहना सीखा, एक दूसरे का साथ देना सीखा। भाभी साहब, अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता ना, तो शायद विश्वास भी नहीं करता। पर आपने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। देवर जी, और क्या प्रो जानते थे कि आप हम सबके पीठ पीछे उस विजय से मिल रहे, जानते थे? वो कोई नहीं जानता था, क्योंकि ये तो किसी को कुछ समझती नहीं। ये तो सर्वगुण ज्ञानी है। रानी साहब, टाटा, जब तक पैसा था, शौहरत थी, आराम था, तब तक तुम हमारे साथ थी, और जैसे ही सब चला गया, उस विजया के साथ हो गई। एक बात बताओ रानी, क्या तुम कभी भी हमारी सगी थी, या सिर्फ एक नाटक कर रही थी, जो आज वो नाटक तुम विजया के साथ कर रही हो? विक्रम, बहुत नाज था ना तुम्हें अपनी इस भाभी सा पर, और राजमाता आपको बहुत घमंड था ना अपनी इस बहुरानी पर। अरे, इसे एक मिनट नहीं लगा सारे रिश्तों को लात मारने में, और पैसों के लिए ये लड़की कुछ। बस रानी साहब, अब पूरा सच जाने बिना इसे कछु भी बोलेगी का? अरे, एक बार हमें कछु कहने का मौका तो दीजिए। हमने जो किया, काहे किया, वजह थी सबके पीछे। अगर पैसों के लिए सब कुछ कर रहे होते, तो फिर आप सबको इसे सामना करने ना ही आते ना? आपके सवालों का जवाब देने ना ही आते ना ऐसे? हम सब कुछ समझा सकते, परंतु पहले हमें डॉक्टर साहब से बात करना है, प्लीज। विक्रम, वीर कहाँ है? मैं कॉल करता हूँ। डॉक्टर साहब, अगर हमारे बेटे की आंख से एक भी आंसू बहाना, तो याद रखना, हम तुम्हारी जिंदगी में बाढ़ ले आएंगे। समझ जी, एक बार, सिर्फ एक बार रानी बिटिया को मौका दीजिए, आप सबकी नाराजगी दूर हो जाएगी, ये गारंटी है हमारी। आप ना बोले तो बेहतर होगा, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप दोनों एक ही थाली के चट्टे बच्चे हैं। मैं एकदम सच बोल रहे हैं, रानी बिटिया कुछ गलत नहीं किए। ओ, अब समझे हम। अरे, आप तो इससे मिले हुए होंगे ना, आपकी अपनी जो है,
वैसे ये बताइए कि पैसों में आपका कितना कट था? अनीसा, और अगर तुम्हें कुछ बोलने का मौका देंगे तो इसका मतलब तुम्हारे नाटक को और खींच रहे हैं, जिसका पेशेंस नहीं है हमारे पास। सच सिर्फ इतना है कि तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है, और जहां विश्वास टूटता है ना, वह जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज बेमानी लगता है। पता नहीं हमारा पीटा कहां होगा, किस हाल में होगा, क्या सोच रहा हो। उसने तुमसे इतना ज्यादा प्यार किया है और तुमने बदले में हमेशा उसका दिल तोड़ा है। ये ले, पानी पी। माँ पानी पी ले। सूरज नहीं चाहिए हमारे को। अच्छा तो जूस मंगवाऊं? बर्फ मांगे सोडा, काला खट्टा है ना? बोला ना सूरज, कुछ नहीं चाहिए हमारे को। माँ मेरी बात मानना, राधिका आ जाएगी। वो जरूर किसी कॉलेज के काम में फंस गई होगी, मैं जानता हूँ। और वैसे भी उसे बहुत सारे काम रहते हैं ना माँ, पढ़ाई भी करती है ना साथ में। और आज उसका एग्जाम भी था माँ, उसने मुझे बताया था। एक सेकंड, उसका एग्जाम तो अभी तक हो जाना चाहिए था, फिर अभी तक वो आए क्यों नहीं? मैंने इतने प्यार से उसके लिए केक बनाया था, अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए। फोन करना उसे। किया था मैंने फोन माँ, उसने उठाया नहीं। उसने मेरा फोन नहीं उठाया, सूरज का फोन नहीं उठाया उसने माँ। मेरा फोन नहीं उठाया। शांत हो जा सूरज, अभी तो तन ने मारे को बताया ना, उसका एग्जाम चल रहा है, पढ़ाई में लगी हुई है, इसलिए थारू फोन नहीं उठा रही होगी। तो दोबारा मिला के देखना, अब शायद उठा ले। कहाँ गई ये मास्टरनी? रजिस्टर ऑफिस के बाद से गायब है। राधिका जी, आप कब से आपका वेट कर रहा हूँ, कहाँ थी आप? अच्छा आइए ना, अंदर आइए। आ गई छोरी, शकल दिखाने को मारे को। अब बोल, मारो फोन क्यों कोनी उठायो? चीपू मारो लागे सिर्फ परेशान हो रखा था, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। क्यों सताया है उसको, जब तने अच्छे से पता है कि उसको किसी का इंतजार करना बिल्कुल पसंद कोनी। चीपू हम हाँ, क्यों तंग कर रही राधिका जी को? वो जरूर किसी काम में फंस गई होगी है ना, लेकिन अब तो आ गई है ना, बस फिर। लेकिन सूरज अभी तो तू। माँ अभी तो राधिका जी आ गई है ना, तो मैं खुश हूँ। राधिका जी के आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। राधिका जी आइए चलते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। एक मिनट, हमारे दिमाग में एक सवाल चल रहा है। जहां तक मैं मिट्ठू को जानू हूँ, इतने आसानी से तो वो किसी को मुंह ना लगाए है। एक नंबर की नकचड़ी है और घमंड भी है, तुम्हारी बहन ना, पर थारे साथ वो अब जमीन के कारण, काहे कि हमने वो सौदा आपको दे दिया ना, तो बहुत ही ज्यादा चिढ़ गई है हमसे। सही तो बात है ना माँ, कोई भी चिढ़ेगा ना, और वैसे भी हमें क्या फर्क पड़ता है माँ, वो रानी साहब हमसे चिढ़े जले फूक के राख हो जाए है ना। हमें उससे बदला लेना था, हमने बदला ले लिया, बस बात खत्म। और अब हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, इसीलिए तो राधिका जी के पीछे पड़ी है। ये बिचारी भोली भाली तो है बुढ़ी। अब राधिका जी आइए चलते हैं। इतने टाइम तक हमारी आंखों में धूल झोंकती रही है रानी, और हमें पता तक नहीं चला।
ऐसे जाहिल गवार लोग ना मौके के लायक नहीं होते। मुझे तो कंफ्यूजन हो रहा है कि भाभी साहब ऐसा क्यों कर रही हैं? अगर हमें सही टाइम पर पता बस कीजिए रानी साहब। रानी के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनना चाहता मैं। उनके तरीके भले ही गलत हो लेकिन उनके इरादे नहीं। उन्होंने जो कुछ भी किया है हम सबके लिए किया है, इस परिवार के लिए किया है, उनके मन में हमारे लिए जो प्यार है उसके लिए किया है। अरे उन लोगों से अकेले भिड़ गई वो ताकि हम सबको खुश देख सके। आप जानते हैं इस परिवार के लिए कितना कुछ किया उन्होंने, उसके बाद भी आपको लगता है कि वो सबको धोखा दे रही थी? जितनी हिम्मत उन्होंने दिखाई है ना वो हम सबके बस की बात है ही नहीं। लेकिन वीर भाई साहब प्लीज, सवाल नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। पता है प्रॉब्लम क्या है रानी साहब? आपके मन में इंसान की एक छोटी सी भी गलती ना उसके सारे अच्छे कामों पर, उसके सारे इरादों पर पर्दा डाल देती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। ये क्या चल रहा है यहाँ? झगड़ रहे हैं ये लोग? नहीं नहीं नहीं, नहीं। रानी साहब अपनी बहू रानी से नाराज है लगता है। तुम्हें तो हम हमेशा ही गलत लगते हैं। हमारा कुछ भी सोचना बोलना, यहाँ तक कि हमारा सांस लेना भी गलत लगता है। मैं बस आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रानी साहब कि रानी ने जो कुछ भी किया है इसलिए किया है ताकि वो विजया और सूरज का भरोसा जीत सके, और ऐसा करने से ही हमें हमारा हक और हमारा घर वापस मिल सकता है। लेकिन आज जो रानी ने किया सच में क्या वो तुम्हारे लिए सही है? उसके तरीके सही है? अब भी तुम उसका साथ दोगे? मौसीसा थारे तो सूर ही बदल गए। इतनी इज्जत वो भी मारे को? नहीं दूंगा तो जितना कुछ बचा है वो भी आप हमसे छीन लेंगी। इतना मैं समझ गया हूँ मौसीसा कि जंगल में अगर रहना है तो शेर से बैर नहीं करते। ऐसा करेंगे तो अपनी बर्बादी का न्योता बन जाता है। देखिए मेरे परिवार को पैसों की जरूरत है और मुझे नौकरी की। आप जो कहेंगी वो मैं कर लूंगा। इसका मतलब मिट्ठू भी तड़प रही है क्या? आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। इतना बड़ा घर है, आलीशान बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां। छोटा सा काम मुझे भी दीजिए, मैं कर लूंगा जो आप कहेंगे। रजावत परिवार के बड़े कुंवर सा को अपना नौकर बनाने से बड़ा बदला हमारे लिए और क्या हो सके है? बहुत पूर्वक डॉक्टर साहब तो हमसे भी अच्छा खेल घुमाते हैं। कब भौकाल एक्टिंग किए है। चल खुश हो जा, आज से थारे को नौकरी दी। पर ये बता के काम आता है थारे को? पहली बात तो थैंक यू मौसीसा। मैं आपका ड्राइवर बन सकता हूँ या फिर आपका पर्सनल डॉक्टर। आप जो बोलेंगी वो कर लूंगा। ठीक है फिर आज से और अभी से फिलहाल तुम्हारा बावर्ची बन जाओ। अभी के लिए दाल तड़का बना दे। मजा आया खाने में तो ठीक, वरना माली की नौकरी भी खाली है हमारे पास। दाल तड़का सुन, सबसे पहले एक कड़क चाय बना के दे हमारे को। में एंट्री तो हो गई लेकिन ये लोग रानी के साथ यहाँ कुछ गलत कर रहे थे। मन तो कर रहा है कि अभी के अभी दोनों माँ बेटे को। अच्छा तो हम चलते कठे। देखिए प्लीज विजया जी समझने की कोशिश करिए ना। अब हमें हमारे
पति के पास जाना है। थारा पति तो इस शहर में ना है, पर मारे बेटे को थारी जरूरत है, समझी? यहीं रहेगी। अच्छा अच्छा सुनिए, कम से कम हमें बहुत प्यास लगी है, कम से कम पानी तो पी सकते हैं ना। और हाँ, प्यासे को पानी नहीं पिलाना बहुत ही बड़ा पाप होता है, प्लीज पानी पी सकते हैं। हम ना आपके ऑफर के बारे में भी सोचेंगे शांति से। हाँ माँ, माँ 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 माँ, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना माँ। हम ना ठंडा ठंडा पानी पिएंगे तो शायद हमारा दिमाग भी शांत हो जाएगा और हम शायद अपना मन भी बदल लेंगे। ठीक है, आप जाइए आराम से, सोच कर बताइए। चाहिए जी। हाँ खुराफाती चल रही है डॉक्टर साहब। जो चल रही है वही कर रहा हूँ मैं। आप कर रहे हैं ठीक है, परंतु जरूरत नहीं है ना, हम है ना यहाँ पर संभाल रहे हैं ना सब। संभाल रही हैं? देखा मैंने कैसे विजय आपका हाथ पकड़ के खींच के ले जा रही थी, ये संभाल रही थी आप? रानी शादी में सब कुछ 50-50 होता है, हाफ हाफ। और वैसे भी इन लोगों के साथ आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला मैं, समझिए आप। डॉक्टर साहब रानी प्लीज, आपने मुझे ये कहा था कि आप कुछ कर रही हैं, आप पर भरोसा करने के लिए कहा था, मैंने किया। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि आप मुझे इन्वॉल्व कर सकती थी इन सब चीजों में, अपने वादे तो नहीं निभाए ना आपने, मुझे मेरे निभाने दीजिए, आप जिम्मेदारी है मेरी रानी, मैं पति हूं आपका, आपको प्रोटेक्ट करना धर्म है मेरा, आपको इन लोगों के बीच अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा मैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए। राधिका जी, राधिका जी, क्या करूं? जी क्या है? अब ये हलवा लाए हैं आपके लिए, हमने अपने हाथों से बनाया है, सोचा आपको भी खिला दे। ये तने बहुत अच्छा किया छोरी, राहत मिली हमारे को ये खा के। वैसे असली राहत तो तब मिलेगी जब उस जमीन के कागजात पर हस्ताक्षर हो जाए। आप कहिए कब करना है, हम अपने चाचा जी को बता देंगे, वो मीटिंग फिक्स कर देंगे। ना ना, अब उसकी जरूरत कोनी, मारो मूड बदल गयो, अब मारे को जमीन नहीं चाहिए। अब विजय जी, वो जमीन आपको इतना पसंद आया था, वो हाईवे है, सौदा नहीं चाहिए मारे को छोरी। वो जमीन लेने का हमारा एक ही मकसद था, मिट्टू को जलाना। अब जब उसी का छोरा हमारे घर में नौकर बन के बैठा है, तो इससे बड़ी जलील होने वाली क्या बात हो सके है उसके लिए। जब वो वीर को हमारे घर में हमारे कदम में पड़ा हुआ देखेगी, तिल मिलाएगी, फड़फड़ाने लगेगी, और इससे बड़ा बदला हमारे लिए क्या हो सके है। इसलिए तू एक काम कर, अपने चाचा को बोलना ये डील मारे तरफ से कैंसिल। और हाँ, थारी वो सलोनी मैडम है ना, उसके पास भी ये खबर पहुंचा देना। ये अच्छा बनाया तन्ने।
क्या विक्रम? रो कहाँ हैं आप? प्लीज जल्दी करा दीजिए, मॉम को हार्ट अटैक आया है। व्हाट? मैं अभी आ रहा हूँ। इतनी मेहनत से प्लान बनाया, सब बेकार हो गया। अब क्या करें माता रानी, कोई नया तरकीब भी नहीं सूझ रहा। अरे अरे कहाँ जा रहा है भाग भाग के छोरे? रानी साहब को हार्ट अटैक आया है, मेरा जाना बहुत जरूरी, प्लीज आई एम सॉरी। अचानक का मंत्र फूंक रखा है इस चुड़ैल ने हमारे परिवार पर, हमें जल्दी से जाके रानी सा को देखना चाहिए। तू तो बड़े कमजोर दिल के निकले मिट्टू, एक ट्रेलर से थारे को दिल का दौरा पड़ गया, पर अभी तो पूरी फिल्म दिखाना बाकी था। ऐसा? 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 तेरा जी सब कैसे हुआ? डॉक्टर नहीं बुलाया अब तक? वो अभी साहब चलिए ना, वो ये सब क्या है रानी सर? इतने भोले मत बनो वीर, एज इफ यू डोंट नो कि हमने ये क्यों किया। अरे रानी सर, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं रानी सर। अभी समझाते हैं। जिस घोड़े पे राजा व दाव लगाते फिरते हैं, आज वही घोड़ा हमारे घर में खच्चर बना फिर रहा है। इसकी ऐसी हालत मिट्टू देखेगी तो क्या सोचेगी? शुभ काम में देरी कैसी? अरे मारे मिट्टू, ये तो बस छोटी सी शुरुआत है, अभी तो थारी और अकड़ तोड़ना बाकी है। चल आज तेरे लिए अपनी बहन की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। की मौत आ गई जिसने हमारे कमरे का एसी बंद कर दिया। कौन है? एक और बार अगर तन्ने ताली बजा दी ना, तारे टुकड़े टुकड़े करके चौराहे पे बटवा दूंगी मैं। हिम्मत है तारी, तू सामने आ। मारे हाँ, ये लाइट अपने आप जल बुझ रही है, कैसे? ये क्या हो रहा है? ये कौन है? वैसे बोलो क्या हो रहा है? विजया विजया विजया! नहीं 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 नहीं, मोमबत्ती
विजया मिट्टू। मिट्ठू आप भी तो यही थी, अब कहाँ गायब हो गई? मिट्ठू बचाओ बचाओ, सूरज सूरज मिट्ठू सूरज सूरज। अरे कहाँ हुआ, वो इतना चिल्ला कर रही है? वो मिट्ठू मिट्ठू है आखिर। माँ लेकिन उनका तो देहांत हो गया है ना? नहीं नहीं वो अठे है। अरे विजय जी कोई नहीं है यहाँ पर। जब मैं कह रही हूँ वो अठे है तो वो अठे है, बात खत्म हो गई। हमें लगता है कि आपको उनके मौत का बहुत ही ज्यादा सदमा लग गया है, इसीलिए ये सब आ रहा है आपके दिमाग में। ए मास्टर ने हारे को क्या लगता है, मैं पागल हूँ, पागल दिख रही हूँ कितने? जब मैं कह रही हूँ कि मिट्ठू आते हैं तो आते हैं, बात खत्म हो गई बस। ए कौन है यार, तुम मेरी माँ को परेशान कर रहा है? बाहर आओ। अब वैसे हमें लगता है कि अगर अगर आपने सच में ऐसा कछु देखा है तो एक ही संभावना है। क्या मतलब? भूत। ए, डरता नहीं हूं मैं किसी भूत भूत से, बताता हूं इसे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, यहाँ पर जो भी है बाहर आ जाओ, मेरी माँ को परेशान मत करो, बाहर आओ। माँ कोई नहीं है यहाँ पे, तू फालतू में टेंशन ले रही है, ये सब तेरे मन का वहम है। माँ चल आ जा सो जा। क्या रे मास्टर नहीं, वो मिट्टू की तरह तू मारे को भी हार्ट अटैक देना चाहे है क्या? हाँ अरे नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही है? हम आपसे पूछना चाहते थे कि जब आपने देखा तब मिट्ठू साड़ी वही पहनी थी का जो आज सवेरे पहनी थी? उससे क्या फर्क पड़ा है, बोल मारे। जब मैंने कह दिया कि वो आते हैं तो वो आते हैं, बात खत्म हो गई। सुन सूरज, मारे को मारे कमरे में नींद खोनी आएगी, मैं थारे साथ थारे कमरे में आके सो जाऊं, कोई दिक्कत तो ना है ना? थारे को ये पूछने वाली बात है क्या? हाँ चल आजा आजा। बाल बचे, करना तो नहीं चाहते थे लेकिन सच में विजया को डरा कर सुकून तो बहुत मिला। बाबा आइए ना, अंदर आइए। नहीं, जिसकी दिक्कत है जिसका घर है, भूत का साया जिस पर है वो बुलाएंगे तो अंदर आएंगे, वरना वापस। कौन है वट्ठे जो सुबह सुबह इतनी फुटेज खा रहा है? रानी सा बहुत पहुंचे हुए बाबा है, बाजार से बुलाया मैंने इन्हें आपकी और इस घर की शांति के लिए। रुक जाओ वहीं।
आंखों में भय साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ तो देखा है तूने जो तुझे बेचैन कर रहा है। कोई बात नहीं, तेरे हर सवाल का जवाब है बाबा के पास। पर मैंने तो कोई सवाल ही ना पूछा है बाबा जी थारे को। रानी सा, बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, मतलब बिना सवाल के ही जवाब दे देते हैं वो। और एक बात, बाबा की डायरेक्ट भूतों से बात होती है। देख शांत, मारे को इन सब बातों में बिल्कुल भी भरोसा ना है, पर कल रात को जो कुछ हुआ ना उसके बाद तो खुद पर भी भरोसा ना रहे अभी। माँ, अब ये क्या नया आइटम है? माँ, तुझे मैं इतनी बार समझा चुका हूँ कि भूत भूत कुछ नहीं होते हैं, तो फिर भी इन बाबाओं को घर पे ले आई। ये बेफिजूल की बातें करके मेरी माँ का दिमाग खराब कर दिया है सबने। और राधिका जी भी इतनी पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी अंधविश्वास से फंस रही है, हद होती है। कुछ भी। राधिका जी ये क्या कर रही हैं आप? कुछ भी नहीं। आप किससे बात कर रही हैं? भूत से। लेकिन आप ऐसी आवाज क्यों निकाल रही हैं राधिका जी? राधिका जी ऐसे क्यों देख रही हैं? राधिका जी, राधिका जी आपकी एक्टिंग से ना मैं डरने वाला नहीं हूँ। हाँ, साइन लेने हैं तो तुझसे आकर मिलना होगा ना। लो, आ गए हम। मम्मी बचाओ। माँ बचाओ। माँ, राधिका जी दरवाजा खोलो। माँ बचाओ। अरे खोलो, कोई है? सही कहा था तुमने रानी, हम भले ही चल नहीं सकते लेकिन किसी और तरीके से फिर भी मदद कर सकते हैं। आवाज तो अच्छे से ही आ रही। सूरज, कुछ भी करना था विजया, लेकिन राजेश्वरी सिंह रजावत के अहंकार को चोट नहीं पहुंचानी थी। इतनी चीप एक्टिंग कर रही है हमारी। अब शर्त पूरी होने के बाद ही इस राधिका के शरीर को छोड़ेंगे हम, समझ गए? समझ गए, सब समझ गए। हाँ, है ना माँ? राधिका जी
अरे माँ, इतना क्या दिल लगाए बैठी है? सारा माल लूट का ही तो है, हमने कौन सा कमाया है? क्या फर्क पड़ता है, साइन कर देना। अच्छा, लूट मचाना भी दिमाग का काम होवे है लाडे सर। बहुत मेहनत लगे है उस पे, इतना आसान कुछ भी कोणी है। और मैं क्यों साइन करूं बता? अच्छा खासा वो बाबा जी भूत भगाने के लिए घर में आया था, पर तूने उसको रोक लिया। अरे मैं आपके जिंदगी पर ताने मारेगी? देख, तुझे साइन करने है कर, तेरी मर्जी है, लेकिन अगर राधिका जी को कुछ हो गया ना, तुम मैं बता रहा हूँ माम, मैं नस काट लूंगा माँ। हाँ, और मैं भी भूत बन जाऊंगा और तुझे डराऊंगा, बस देख ले अब। लाड़े सर, तू अपनी माँ को धमका रहा है। अगर साइन नहीं किए तो? अरे माँ, भूत के नाम ही कर रही है ना अपनी प्रॉपर्टी, कौन सा अपना सामान लेके कब्जा करने आ जाएगा, है कोर्ट जाएगा। अरे बस फॉर्मेलिटी है, कर दे साइन खत्म। की रानी साहब की भूत की एक्टिंग देखने के बाद तो आपसे डर लगने लगा है मुझे रानी। अहंकार है, ऐसे हवा में हाथ करके हम बात करते हैं? नकल करनी थी तो अच्छे से करती। सास बहू की नोक झोंक तो बाद में भी हो सकती है, फिलहाल हमें ये तय करना है कि हम उनसे सिग्नेचर कैसे करवाएंगे। लेकिन दादी साहब, आप यहाँ? आप लोग की तरह छुप छुपा कर हम भी आ गए। शांति ने हमें पूरा प्लान समझा दिया। वो मैंने सोच लिया है, मैं साइन कोणी करूंगी। माँ, तू भी ना एकदम अपनी बहन की तरह है, एकदम अकड़ू। तन्ने जो सोचना है तू सोच सके है। मैं शांति से बात करू हूँ, वो बाबा जी को दोबारा से बुला के ले आएगी हवेली पर। माफी नामे से काम चला लूंगी मैं। मिठू देख, मारे माफ कर दे, मारे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तू जैसा कहेगी मैं वैसे कर लूंगी। कसम से मिठू, मारे को मत मारना, जो भी कागजात देगी मैं साइन कर दूंगी। हाँ मैं कर दूंगी। रानी साहब, किससे बात कर रही हैं आप? हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। ए चुप कर, टाइम पास कर रहा थे, जा अपना काम कर। अरे बाप रे, कल तक मैं इतने डर के साथ कैसे जी पाऊंगी? हे भगवान, तू ही रक्षा करना। ये लड़की तो जय, ये यहां क्या कर रही है? अब नौकरानी है तो नौकरी करेगी ना माँ। रजावत के साथ जो हुआ उसके बाद बेचारी का काम छूट गया तो हमने तरस खा के यहाँ रख लिया। अच्छा किया, वैसे भी आजकल ट्रेन नौकर मिलते नहीं हैं। काफी ट्रेंड है वहाँ, घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये इतनी सजी धजी क्यों है? अरे माँ, नंदिनी और चंपा सालों से साथ रहती आई हैं, बहनों जैसा रिश्ता है आपस में दोनों का। नंदिनी ने ही अपने कपड़े दिए उन्हें, इतना बड़ा दिल है इनका। फिर बहू ने अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी है? ना साज ना श्रृंगार, कितनी उदास लग रही है। जय, सब कुछ ठीक तो है ना? माँ वो आप तो जानती है ना, वो रजावत का क्या हाल है, तो बस उसे ही सोच के बेचारी परेशान रहती है हमेशा। आप लोग फ्रेश हो जाइए ना माँ, थक गए होंगे, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं हम लोग।
अगर हमारी माँ से कुछ बोला या हमारी पोल खोली ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, हम बता रहे हैं। जय बेटा यहाँ आना। आए माँ। हम बता रहे तुमको छोड़ेंगे नहीं। अपनी औकात में रहता तो तुझे छोड़ देता, लेकिन तूने सीधा मेरे दिल पे वार किया। अब पूरे जयपुर में सिर्फ सूरज सिंह शेखावत का नाम होगा और तेरा और तेरे पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा मैं। बताऊं कैसे? बिना बताए मुझसे रहा नहीं जा रहा। तेरा सब कुछ तो मैं छीन ही चुका हूं, अब तेरी बीवी को भी अपना बना लूंगा हमेशा हमेशा के लिए। अनिल को जानता नहीं सूरज, अगर आंख उठाकर देखेगा भी ना तेरे ये आंख निकाल कर उसे कच्चे खेलेंगे वो। बलिया से है वो सूरज, तो जैसों का जोर उन पर नहीं चलेगा। जाना तो उसे मैंने भी है, इस हद तक कि उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। संभल कर बैल बुद्धि, इसी नाम से बुलाती है वो से। और भी नाम है बंदर, चिरकुट। एक एडवाइस दूं, काम आएगा, थोड़ी और समझदारी से काम करना, क्योंकि रानी से आज तक कोई जीत नहीं पाया है और जो अब तू कर रहा है ना उसके बाद तो तुझे तबाह कर देंगे वो। रही बात हमारे परिवार की, तो जब तक हम सब साथ हैं हम पर कोई आंच भी नहीं आ सकती। तो सिर्फ दो। वाह हो गया। सुनो बे, इसके पैर की बैंडेज करो। तेरा इलाज करवा रहा हूं क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है, तुझसे काम निकलवाना है समझा। अगली बार गोली पैर में नहीं तेरे सर में मारूंगा, इसके बाद इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। जय जी, आपने जो कुछ भी कहा हमने सब कुछ किया, अब तो हमें डॉक्टर साहब को पता बता दीजिए ना। अरे इतने भी जल्दी के है रानी, अभी तो बस तूने पहली चाल चली ही है, कम से कम दूसरी चाल तो सुन ले हमारे से। और क्या चाहते हैं आप हमसे? वो कागज जिस पे तूने और थारे पति ने हमारे दस्तखत करवाए और साथ ही साथ वो स्टैम्प पेपर वाले प्रॉपर्टी के कागजात भी। अच्छा अच्छा, वो कागज हमारे पास नहीं है, डॉक्टर साहब को पता होगा उसके बारे में। अब बस हमें उनके पास ले चलिए ना, हम वो आपको दिलवा देंगे। काहे कि डॉक्टर साहब को जब तक पता नहीं चलेगा ना कि हम सब सही सलामत है, उनका परिवार सही सलामत है, वो आपको कच्चू भी नहीं बताएंगे। प्लीज उनका पता बता दीजिए ना हमें, हम आपको सब कुछ दिलवा देंगे। जय जी हमारी बात सुनिए, आपको जो कुछ भी रखना है आप सब कुछ रख लीजिए, ये घर पैसा नाम सब कुछ, हमें और कच्चू भी नहीं चाहिए, बस हमारे डॉक्टर साहब सही सलामत चाहिए हमें। प्लीज अब लौटा दीजिए ना उन्हें हमारे पास, प्लीज रानी साहब। हारे को मैं बेवकूफ लगूं जब तक वो कागज तुम्हारे तक नहीं लाती। तुम दोनों को मिलना तो बहुत दूर की बात है, एक दूसरे की शक्ल देखना भी नसीब न होने दूंगी, और बाकी सारी शर्तें तो तू जाने ही है। बहू रानी, ये आप क्या कह रही है? ये कपड़े तो अरे क्या हुआ शांति, तुमको तो खुश होना चाहिए।
अरे इतने सालों से जिनकी गुलामी करती आई हो, आज खुद गुलाम बन रहे। आज से ही सबके सब तुम्हारे नीचे काम करेंगे। और हाँ, जो हमने कहा है वो हो जाना चाहिए। ए, सुना ही नहीं दिया थारे को? चल काम पे लग। माफ कीजिए रानी साहब। हमने आपका ये जोर और गुस्सा नहीं चलेगा। हम जो कहे हैं वो करना होगा। हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती आप। कैसे समझाएं आपको देवर जी, मजबूर हैं हम। हम जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी कठोरता से बात कर सकते हैं। काहे कि अब हम रानी सा है। अब गति पर हम बैठते हैं। बदल गई है, बहुत बदल गई है। टेम के साथ साथ बदलना पड़ता है, नए तरीके आजमाने पड़ते हैं। और जो हम पूरा करने का सोचे थे उसका तो पूरा करना ही होगा ना। हमने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह अपना रूप बदल लेगी। इससे पहले कि हमारी जुबान से आपके लिए कोई बद्दुआ निकल जाए ना, अब चली जाइए यहाँ से, चली जाइए। देखिए हम सब आपकी भलाई के लिए। चुप! नी भलाई सोच ली ना तुमने, अब हम सब के बारे में मत सोचो। और एक बात याद रखना, हम में से कोई भी इस विजया या हमारे बेटे के कातिल के सामने सर नहीं झुकाएगा। क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? राजमाता साहब, ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों में से कोई भी पुलिस तक ना पहुंच सके। मैं सबमिट हूँ। ठीक है ठीक है, अगर थारे को हमारे लिए कुछ नहीं करना तो कुछ भी मत कर, पर थारे बेटे की अस्थियों के लिए तो करेगी ना, या नहीं? रानी, अस्थि कलश तो रखा है ना तने अच्छे से? तुमने हमारे बेटे का अंतिम संस्कार हमारे बिना कर दिया। अरे यार मिट्ठू, फिर से ना शुरू कर दो। अब जो हो गया है सो हो गया है। सो बात की बस एक बात है, अगर थारे को थारे बेटे के अस्थि विसर्जन के लिए कलश चाहिए तो थारे को मारे हर हुकुम का पालन करना होगा।
हमसे और ना ही देखा जाएगा। को बिना इलायची की चाय ना भावे है। जा जल्दी से बढ़िया चाय बना के ला, इलायची डाल के पकड़। ए मिट्ठू, तू क्या खड़े खड़े मारे को ताक रही है? हरे को दिख नहीं रहा नीचे सारी चाय गिरी पड़ी है, साफ कौन करेगा उसे? चल जल्दी से हाथ बढ़ा। पर मारे मुंह से सारी तो ना निकल सके। तू नौकरानी है ना, और थारे को तो पता है कि मालिक नौकरों को ज्यादा इज्जत ना देते ताकि वो सर पे चढ़ के तांडव ना कर सके। यही बोलती थी ना तू मिट्ठू। बहुत हुआ, हम अपने परिवार को इस हाल में नहीं देख सकते, कोनो जुगाड़ तो लगाना ही होगा। साहब जिंदा है, परंतु तब तक जब तक हम आप लोगों पर अत्याचार करते रहे, विजया मजबूर की है हमें, और जो हम उनका आदेश नहीं माने तो उसके इशारे पर सूरज बाबू डॉक्टर साहब की जान ले लेगा। कबूतर घूमने लगे हैं। अच्छे से सफाई कर चल। अरे यहां कितना कचरा पड़ा हुआ है, साफ करिए इसे।
अच्छे से नीचे झुककर देखे, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इतना शौक है ना तो खुद साफ कर लो। डिस्कस्टिंग। अनिका और मेरा रिश्ता, हमारा प्यार तेरे इस कागज के टुकड़े का मोहताज नहीं है। दिल से जुड़ा है हमारा रिश्ता। हम दोनों को एक दूसरे से अलग करने की तेरी औकात भी नहीं है। और एक बात सुन ले, जहां तक मुझे मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की बात रही, तू तेरी वो माँ ये चार पैसे के गुंडे हमारा पाल भी बाका नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि हमारा परिवार एक साथ है, रानी उनके साथ है। तेरे को चोप करना कर ले। हमारा परिवार हमारे साथ है, अब हर मुश्किल से जीत जाएंगे हम। होम फीलिंग बेटा, आराम कीजिए। रिलैक्स। ओहो, एक बुढ़िया, दूसरी बीमार और तीसरा ये ठल्ला। मन ने भी कैसी फौज पाल रखी है नौकरों की। हाँ, छोरी जरा ठिया तो अब ठीक लग रहा है थारे को? चल फिर जल्दी से उठ और काम खत्म कर। बहुत सारा काम पड़ाया थे, सबने भीड़ बना के रखी है। चलो जाओ, उठो जल्दी। आराम से। जीत की तरफ पहला कदम तो सफल रहा, ऐसे ही कदम से कदम मिलाकर हम बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएंगे डॉक्टर साहब। इतनी हिम्मत है तो खोल मुझे, फिर दिखाता हूं तुझे। और कोई बीच में नहीं आएगा, खोल इसे। भूल मत, तुझे पहले भी बर्बाद कर चुका हूं, तुझे तेरे परिवार को घर से निकाल कर। और अब तुझसे तेरी बीवी छीन के तुझे नामर्द साबित कर दूंगा। ये तो गया हमेशा हमेशा के लिए। माता रानी, ऐसा काहे लग रहा है जैसे डॉक्टर साहब वो ठीक तो है? जब से तलाक के कागज साइन किए हैं, अजीब सी फीलिंग आ रही है। डॉक्टर साहब को कहा करें हम, कैसे बचाए उन्हें?
का सहारा है माता रानी। डॉक्टर साहब की रक्षा करना। अब बोल भी कौन है असली मर्द? हमने डॉक्टर साहब के रक्षा के लिए ही घरवालों से छुपाने के लिए इसे निकाला था। जब तक हमें भरोसा नहीं हो जाता कि डॉक्टर साहब सही सलामत है, मंगलसूत्र आप ही के पास रहेगा। वीडियो गेम खेलेंगे? राधिका जी, जानता हूँ कि रोमांटिक नहीं है, लेकिन खेलते ना, बड़ा मजा आएगा, सच्ची, मेरे लिए प्लीज। जी जी बिल्कुल, ये भी ठीक है, वीडियो गेम खेलते हैं, चलिए। ठीक है, मैं अभी कनेक्ट करता हूँ। इस बेल के फोन में जरूर डॉक्टर साहब को लेकर कोनो जानकारी मिलेगी। बैल बुद्धि है, एक तू ही तीन चार कोनो पासवर्ड रखता है का? भाप पुड़बक, इसमें तो कुछ भी नहीं है। कनेक्ट हो गया राधिका जी। आइए खेलते हैं। अब परंतु ये खेल आपको हमें सिखाना होगा, हमें नहीं आता कुछ भी। अरे राधिका जी, आपको मैं 2 मिनट में ट्रेन कर दूंगा, आप पास तो आइए। आइए। अरे ये तो खत्म ही नहीं किए आप, प्लीज खत्म कर दीजिए। नहीं यार राधिका जी, आज के लिए बस हो गया, अभी और नहीं। हमारे लिए नहीं पियेंगे का? प्लीज खत्म कर दीजिए। अरे कैसी बातें कर रही हैं राधिका जी, लाइए। बस ठीक है, खुश? अब खेलते हैं, अब आप देखना, हम तो ऐसे हरा लेंगे आपको। अच्छा ऐसा है क्या? आइए फिर। आप तो हार ही जाएंगे सूरज बाबू। सूरज कभी नहीं हारता राधिका जी। अरे तो दम है तो हरा कर दिखाइए।
JPP सीमेंट, अने डॉक्टर साहब इस नाम की फैक्ट्री में है। जीत गया, मैं जीत गया राधिका जी, मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैंने आपसे कहा था ना, सूरज कभी नहीं हारता है। क्या बात है, भोकाल है आपका, करता उड़ा दिया आप तो, वेरी गुड। अरे कुछ बोलेगी या हमारे कोई ताकती रहेगी? थारे को कैसे पता हमारे को चाय पीनी है? देख मिट्टू, इतना प्यार तो थारे को मुझसे है नहीं जो तुम्हारे मन की बात समझ जाए। वो तुम सर पकड़कर बैठी थी तो हमें लगा चाय चाहिए होगी, हम लेकर आता है। आजकल बहुत कुछ लग जाता है थारे को, है ना? अब जल्दी से जाओ और एक अदरक वाली कड़क चाय बना के ला हमारे लिए। लाते हैं। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।